अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकनी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाहर के भटूरे तो हमने बहुत खाए हैं, आज हम बाहर जैसे भटूरे घर में ट्राई करेंगे और वो भी एकदम जल्दी, 5 मिनट में क्विक भटूरे। देखिए हमारे भटूरे कितने फूले फूले से हैं। देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा मैदे का आटा 2 कप, 2 टेबलस्पून सूजी, 1/4 कप दही, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून इनो। ये एक पैकेट 2 कप में जाएगा। हमने ये 2 कप मैदा एक बाउल में ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून रवा ऐड कर लेंगे, दही, देसी घी, और नमक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आटे का टेक्सचर कैसा हो गया है। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे। हमें आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी यानी हल्का सा गर्म पानी चाहिए, ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लेंगे। लगभग हमें 3/4 कप पानी लगेगा। ये भटूरे बनने में सिर्फ 10 मिनट लगता है, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इस आटे को सिर्फ 10 मिनट रेस्ट देंगे और हम फ्राई करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लजीज बनेंगे, इसमें तेल भी नहीं चूसता है। ये वाले भटूरे आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे बनेंगे। मेजरमेंट आप बराबर रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। देखिए सब आटा एक साथ हो गया, अब हम इसे 10 मिनट मज़ीद गूंदेंगे। अगर आपका आटा पतला हो गया हो तो आप आखिर में फिर आटा, सूखा आटा नहीं ऐड करें, उसे ही वैसे ही रहने दें। भटूरे का आटा थोड़ा पतला ही होता है। दस मिनट के बाद देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी पूरियां बनाएंगे। लोई बनाने की भी एक टेक्निक है, ये हलवाई की टेक्निक है। ये इसे हम ऐसे थंब के बीच में लेकर निकालेंगे, जिसकी वजह से जब हम पूरी बेलेंगे, भटूरे जब बेलेंगे तो उसमें क्रैक नहीं आएगी। हम एक बार और दिखा देते हैं। देखिए आटे को इसके बीच में से लेना है, पिंच करके ये ऐसे निकालेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी है। ऐसे ही सारे हम तैयार कर लेंगे। ऐसा सबसे पहले ये जो तेल गरम हमने किया है वो इन नूडलों पे लगा देंगे। देखिए भटूरे बनाने के लिए तेल जो होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए। हमने इस लोई को तेल लगा लिया है, इसके कॉर्नर्स हम नहीं बेलेंगे, इसे ओवल शेप में ही बेलेंगे हम। कोई भी शेप आ सकता है इसका, उस ज़रूरी नहीं है गोल ही बनाए हम। ये देखिए कॉर्नर्स इसके हो गए, उसे हम टच नहीं करेंगे, बस ऐसे बेलेंगे। तेल है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, भटूरे के लिए तेल बहुत गर्म होना चाहिए। और भटूरे डालने से पहले उसे हम ज़रा सा स्ट्रेच कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस स्टेज पे इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से फूल गई है हमारे भटूरे।
ये भटूरे अगर फट भी गए फ्राई करते वक्त तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं जाता है अंदर। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। हमारे भटूरे बिना ऑयल के, अब हम इसे खोल के भी देख लेते हैं। देखिए इसका टेक्सचर अंदर का ऐसे ही होना चाहिए, बहुत बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ज़रूर बनाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।